सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर गांधी और उनके साथियों की चर्चा करेंगे। गांधी इस मायने में बहुत भाग्यशाली थे कि उनके साथ जो लोग मिले वो जीवन भर उनके साथ ही रहे और 100% जो कहते हैं कि 100% अपना उन्होंने गांधी को, उनके आंदोलन को दिया। ऐसे ही एक साथी उनके महादेव देसाई हैं जो उनके निजी सचिव रहे 1917 से 42 तक। 42 में उनकी मौत हुई, बहुत कम उम्र में हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई। तब तक वो उनके निजी सचिव थे और महादेव देसाई अपने बाकी कामों के लिए, अपनी विद्वता के लिए, अपने अनुवाद के लिए, गांधी के अनुवाद उन्होंने बहुत अच्छे किए, कई किताबें लिखी, इन सब के लिए याद किए जाएंगे। लेकिन महादेव देसाई सबसे ज़्यादा उस डायरी के लिए याद किए जाएंगे जो 25 वर्ष तक उन्होंने गांधी के साथ निरंतर लिखा। गांधी के साथ कौन मिला, गांधी ने दिन में क्या किया, गांधी ने किसको चिट्ठी लिखी, गांधी ने क्या फैसला किया, क्यों फैसला किया, किससे क्या बात हुई, इसके जो भी डिटेल उनको उपलब्ध हुए वो उन्होंने उस डायरी में नोट किया। वो कई वॉल्यूम में छपा है और वो चीज़ महादेव भाई के लिए सबसे बड़ी है। और आज अगर गांधी को समझना है तो सबसे बढ़िया उसका मटेरियल महादेव भाई की डायरी में मिलता है। महादेव भाई सचमुच साये की तरह, पीए के मामले में गांधी बड़े भाग्यशाली हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी उनको जो दो पीए मिली वो दोनों बहुत अच्छी थी। स्लेसिन तो ख़ास तौर से बहुत अच्छी थी और गांधी उसको जीवन भर याद करते रहे। महादेव भाई के बाद भी जो उनके पीए मिले प्यारेलाल नैयर, वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन महादेव भाई का कोई जोड़ नहीं है। गांधी का खुद का मानना था उनकी मौत के बाद कि महादेव ने 50 साल में 100 साल का काम किया है। और गांधी के पौत्र और बड़े इतिहासकार राजमोहन गांधी, उनका मानना है कि महादेव देसाई ने एक साथ तीन तीन जीवन जिया, तीन आदमी का काम उन्होंने किया। गांधी को कल क्या क्या ज़रूरत होगी, किस किस्म से होगी, उसकी तैयारी करना, दिन भर गांधी के कामकाज को संभालना और उनके आगे पीछे रहना कि उनको कब क्या ज़रूरत हो रही है, और तीसरा काम रिकॉर्डिंग का किया कि दिन भर चाहे जितने भी थके हुए हों वो रोज़ आखिर में गांधी के साथ क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहे। इस काम में वो इस तरह मगन रहे कि उनको ये भी सुध नहीं है, उनकी डायरी देखने पे समझ में आता है कि अपने बेटे का जन्म किस दिन हुआ, ये भी कहीं डायरी में नोट नहीं है कि आज बेटे का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने आप को गांधी में खपा लिया था और डायरी अगर किसी दिन मिसिंग है तो सिर्फ उसी दिन की मिसिंग है जिस दिन गांधी ने उनको छुट्टी दी हुई है या गांधी उनको अपने साथ लेके नहीं गए हैं। ऐसा अवसर बहुत कम आया है और महादेव देसाई लगातार गांधी के साथ रहे हैं। वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे, बहुत अच्छी गुजराती जानते थे, हिंदी जानते थे, काफ़ी सारी भाषाएं वो जानते थे और उन्होंने खूब अनुवाद किया है और उनके अनुवाद का अप्रूवल और किसी ने नहीं, खुद गांधी ने किया है कि इससे बढ़िया अनुवाद नहीं हो सकता। बाद के उनके साथ ही इस बात पर और लगे रहते थे कि किस तरह से महादेव जैसा अनुवाद कर पाए। तो महादेव देसाई को, लेकिन गांधी ने बहुत कम उम्र में, महादेव देसाई एक शिक्षक के पुत्र थे और बीए पास करने के बाद उन्होंने एक बैंक में नौकरी शुरू की थी, तभी पीए की तलाश में गांधी ने उनको देखा कहीं और उसके बाद उनको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में गुजराती में सिर्फ एक लाइन लिखा, मैं वो पढ़ दे रहा हूँ, हूँ तमने मारी सोडमा इच्छुस हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुमको अपनी गोद में देखना चाहता हूँ, तुम इतने प्रिय हो और इतने अच्छे हो कि मैं बच्चे की तरह तुमको अपने साथ रखना चाहता हूँ। और महादेव देसाई ने इस लाइन को पढ़ने के बाद और आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, वो सीधे आ गए। गांधी ने उनके पिता से अनुमति बाद में ली कि बेटा आपका हमारे साथ रहेगा। तब महादेव देसाई की शादी हुई थी तो गांधी ने कहा मेरे साथ रहना बहुत आसान नहीं है, तो तुम एक साल की छुट्टी लो और अपनी पत्नी के साथ वो समय गुजारो और जो दुनियादारी का आनंद लेना है वो लो और उसके बाद से हमारे साथ रहोगे तो फिर तुमको फुर्सत नहीं मिलनी। वो नवंबर 17 में चंपारण में मोतिहारी आए, जहाँ गांधी का आंदोलन उन दिनों चल रहा था, पहला ही आंदोलन वो था, तो उसमें आए और उनकी पत्नी दुर्गा बहन भी उनके साथ आई। दुर्गा बहन बाद में बहुत दिन तक चंपारण में थी, महादेव नहीं थे, तब भी नई शादी होने के बाद भी वो गांधी के साथ रहे और दुर्गा बहन वहाँ गांधी के स्कूल में पढ़ाती रही।
ये पूरा दंपति, ये दोनों मियाँ बीवी, ये फिर उसके बाद गांधी में ही हो गए और उनका उनका उनके रहने का गांधी के आश्रम में एक अलग व्यवस्था रहती थी। बल्कि महादेव भाई का किचन काफ़ी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि गांधी के आश्रम का सामान्य उबला खाना खाने से जो लोग बचना चाहते थे, खासतौर से कृपलानी जैसे लोग जो नियमित गांधी के पास रहते थे, वो खाने के लिए महादेव भाई का घर तलाशते थे, उनका घर रुकने के लिए तलाशते थे। तो महादेव भाई का घर भी उसी तरह थे, उनका उनके बेटा नारायण देसाई, जिन्होंने गांधी कथा सुनाने में पूरे मुल्क में अपने किस्म का वो एक नया अनुभव है उनसे कहानी सुनना। तो महादेव नारायण भाई जो हैं, वो भी बबला नाम था उनका आश्रम के लिए, वो भी गांधी के उतने ही दुलारे थे। और लेकिन अचानक महादेव की मौत हुई 42 में वो गांधी के साथ जेल गए थे और आगा खां पैलेस में उनको भी रखा गया था। गांधी के साथ कम ही लोगों को रहने की इजाज़त थी वहाँ, उसमें महादेव भी थे और सारे काम वहाँ उसी तरह से वो कर रहे थे, बल्कि पढ़ना लिखना वहाँ उनका बढ़ गया था। उसी दौरान अचानक उनकी मौत हुई, उनका हार्ट फेल हुआ और हार्ट फेल होने के बाद वो प्रसंग काफ़ी दुखद है गांधी के लिए और गांधी से भी बढ़ के कस्तूरबा के लिए, क्योंकि कस्तूरबा उनको अपना बेटा मानती थी। और उसके बाद वो महादेव महादेव ही करती रहीं और जिस जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ था उस जेल के अंदर ही उनके शव को बाहर नहीं जाने दिया गया, उनके परिवार वालों को शव हैंडओवर नहीं किया गया। तो गांधी ने कहा कि मैं तो हूँ ही उसके परिवार का, ये किसी और को नहीं दिया जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, अगर अंदर अनुमति हो तो अंदर ही हम लोग उसका अंतिम संस्कार करें। उसके बारे में काफ़ी डिटेल अब उपलब्ध है। सुशीला नायर तब वहाँ रहती थी, सुशीला नायर ने वो सारा प्रसंग काफ़ी डिटेल लिखा है। बल्कि ये कि डेड बॉडी को नहलाने का काम गांधी ने खुद किया, बल्कि महादेव भाई बड़े सुंदर और लंबे चौड़े थे तो गांधी अकेले संभाल पाएंगे या नहीं, और पुरुष को नहलाने में गांधी ने सबको बाहर कर दिया था बाथरूम से कि तुम लोग बाहर रहो, मैं नहला के आता हूँ। सुशीला नायर को लगा कि ये शायद पार नहीं लगेगा इनसे और इनको कहीं कुछ चक्कर वगैरह ना आए, तो वो वहाँ मौजूद थी और सचमुच गांधी को चक्कर आया, उनको संभाला सुशीला नायर ने, दोनों ने मिल के उस डेड बॉडी को स्नान कराया, उनके कपड़ों को संभाल के रखा उनके परिवार को देने के लिए। और फिर जिस जगह वो उनका अंतिम संस्कार हुआ वहाँ वो रोज़ फूल रखते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। बल्कि गांधी महादेव देसाई के राख को, चिता की राख को, एक भस्मी को एक डिबिया में ले आए थे और रोज़ स्नान करने के बाद उसका टीका लगाते थे। इस किस्म से स्नेह करना गांधी ने बहुत कम लोगों के साथ किया होगा और इतना स्नेह, और बाकी भी वही हालत थी। गांधी का मानना था उनकी मौत के बाद कि महादेव ऐसे कैसे जा सकता है, और वो मेरा इतना आज्ञाकारी लड़का था कि अगर वो एक बार मुझसे नज़र मिला ले और मैं उसको बोलूं कि महादेव उठो, तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा, वो नज़र क्यों नहीं मिला रहा। गांधी सचमुच एकदम भाव विह्वल हो गए थे, भावले हो गए थे उनकी मौत पे। तो ये दौर चलता रहा गांधी और कस्तूरबा का। कस्तूरबा इसी में गईं, कस्तूरबा की अपनी बीमारियां अपनी जगह थी, लेकिन महादेव की मौत ने उनको और कमज़ोर किया था। महादेव की मौत के बाद में कई सारी चीज़ें बाहर बाद में आईं, क्योंकि उसकी खबर कहीं नहीं दी गई थी, परिवार को भी नहीं दी गई थी और बाहर भी वो खबर नहीं दी गई थी। सारे गांधीवादी सर्किल में गांधी के करीब रहने के चलते वो सबके दुलारे थे, जब जिस किसी से, जवाहरलाल जी से, आचार्य कृपलानी से, पटेल से, जिस किसी से भी पूछिए, वो महादेव महादेव ही करता था, क्योंकि गांधी से जुड़े सारे काम महादेव ही करते थे और महादेव के माध्यम से वो काम होते थे। महादेव देसाई को लेके बाद में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कई तरह से ये बताने की कोशिश हुई कि वो उतने प्यारे नहीं थे, वो और जाने क्या थे, बल्कि कई लोगों ने तो उनको ब्रिटिश हुकूमत का ये भी इतिहास गांधी के इर्द गिर्द चलने वाले लोगों में रहा है कि वो ब्रिटिश हुकूमत के एजेंट थे और गांधी के पास उनको रखा गया था। लेकिन जो डेडिकेशन महादेव में था और जो काम उन्होंने किया, उस पे गांधी से लेके किसी भी गांधीवादी को या मुल्क के किसी भी व्यक्ति को शक नहीं हो सकता, जितने पक्के वो आदमी थे। और हम सब देखते हैं, और ये कहानी अपने आप में भावुक करने वाली है, कि जब उनकी लाश से कपड़े उतारे जा रहे थे तो उनके शरीर पे धोती के अलावा एक बंडी था,
बंडी के एक जेब में पेन और दूसरे जेब में गीता की एक कॉपी थी। ये उस आदमी के डेडिकेशन और कामकाज सब चीज़ों को बताने के लिए पर्याप्त है कि वो क्या थे और क्या उनके मन में था और क्या वो करते थे दिन रात। उनके लिए गीता और एक कलम जिससे वो गांधी का डिक्टेशन लेते थे, यही सब कुछ था। और इसी के आधार पर उन्होंने अपना सारा जीवन मुल्क की आज़ादी के लिए, गांधी के लिए और नए समाज के निर्माण के लिए कुर्बान कर दिया। तो ऐसे सहयोगी मिले तभी जाके गांधी गांधी बने और गांधी इतना बड़ा काम कर पाए। ये लिस्ट सिर्फ महादेव से शुरू होकर महादेव पर ख़त्म नहीं होती है, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है। लेकिन महादेव देसाई की बराबरी करने वाला और दूसरे का बच्चा होके, दूसरे परिवार में जन्म लेके गांधी और कस्तूरबा का बेटा बन जाने वाला महादेव एक ही हो सकता था, वो कोई और नहीं हो सकता था। तो हम उसी महादेव को याद कर रहे हैं। आज की कहानी इतनी ही, अगले एपिसोड में हम एक नई कहानी।